हेलो गाइस अस्सलाम गाइज असलम आहिब क्या लोग ठीक होंगे सेफ़ होंगे एंड अपने घर पे होंगे और कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे तो आज की जो वीडियो है इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी सीख रहे हैं ठीक है जो मुझसे लाइव क्लासेस ले रहे हैं ठीक है या फिर जो है उधर से यूट्यूब से ही मुझसे सीख रहे हैं मुझे कॉन्टेंट करके बार बार मुझसे जो है वो एक ही सवाल कर रहे थे कि हाउ टू टेक ट्रेड्स ठीक है वो बर्ड देखे हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं हमने इंडिकेटर सीख लिए ठीक है इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें सीख ली हमने हमने सपोर्ट बनाना सीख लिया हमने ये समझ लिया कि जोन्स क्या होते हैं से मार्बानी कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया हमने तो आई सी टी कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया हमने बल्कि अब हम करें क्या हम ट्रेड्स लें कैसे क्योंकि वो बोलते हैं कि जब हम ट्रेड्स लेते हैं तो मार्केट जो है वो जैसे हमने सोचा होता है उस से मूवमेंट नहीं देती तो हम क्या करें ठीक है अब इसकी पहली तो दो तीन वजह हैं ठीक है ठीके? दो तीन रीजन हैं पहले तो फर्स्ट रीज़न ये है कि यहाँ तो आपकी एनालिसिस में कहीं ना कहीं कमी होगी ठीक है आप उसे थोड़ा इंप्रूव करें और आप थोड़ा टाइम दें मार्केट को जब थोड़ा टाइम देंगे मार्केट को तो आपका अपने आप जो है वो एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि आप जो है वो एक तरीके से मार्केट से कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से फिर आपकी जो एनालिसिस है वो हंड्रेड परसेंट वर्क करने लग जाएगी आज मैं आपको एक सिंपल आप इसे स्ट्रेटजी कह लें या आप इसे टेक्निक कह लें जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ अपने किसी भी कोइन के एनलिसिस करने के लिए या ट्रेड्स लेने के लिए वो टेक्निक जो है वो मैं आपको आज सीखना चाहता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले जो भी कोइन जिस भी कॉइन में आपको एनालिसिस करनी है आप उस क्न का वन डे का चार्ट ओपन करेंगे ठीक है जस्ट सिंपल आप क्या करेंगे ट्रेडिंग ओपन करेंगे फ़ोन में है इसी में है वन डे का चार्ट उप, आप ट्रेडिंग व्यू का ओपन करेंगे मान लें अभी देखें इस कॉइन पर तो एनालिसिस हुई हुई है मैं को कोई ऐसा कोइन देख लेता हूँ जिसमें मैंने जो है वो एनालिसिस ना करी हो ठीक है देखें आप जो भी मेरा कॉइन ओपन करेंगे तो उस पर मेरी जो है वो पूरा का पूरा ये सेटअप जो है मेरे पूरे के पूरे बने हुए हैं ठीक है जस्ट सिंपल जब भी मुझे जैसे मैं देखता हूँ देखता जाता हूँ तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ ठीक है देखिए जैसे मैं अभी एवेक्स पर बैठा था और जैसे ही मैंने इधर देखा तो इधर जो है मुझे एक अच्छी खासी ट्रेड मैंने डी थी और मैंने ये ट्रेड उठा ली मैंने यहाँ से जो है वो एंट्री ली एंड छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है जोन के नीचे क्योंकि पता है मुझे कि इधर ऐसे हंटिंग करने के लिए मार्केट हो सकता है नीचे आए ठीक है उस जैसे मैंने इस जोन के नीचे रखा अपना स्टॉप लॉस और यहाँ से जो है मैंने एंट्री ले ली और मैंने ये बिटगेट पर ट्रेड ले ली बिट गेड पर एंड इसकी जो है मैंने थर्टी क्लिवेज रखा और इसका जो मेरा अमाउंट था वो मैं थोड़ा रखा टेन डॉलर से मैंने ये ट्रेड ली और अभी ये ये जो है चढ़ी हो सकता है में एडिटिंग में कैमरा तो मैं इसके छोटे इसका लगा दूंगा आपको साइड में देख लीजिएगा आप ठीक है तो ये भी अच्छा खासा चढ़ रही है मार्केट अब जी इस तरीके से अगर आप सेटअप बना लेंगे तो आप विजी हो जाएगा अब मैं वो अब आपको आज वही बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस तरीके से दिख है, जो है सेटअप्स बनाएंगे अब सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वाइन जो है सेलेक्ट कर देना है जिसमें आपने ना मतलब बल्कि आप तो पूरा री करें वैसे मेरे तो हुई हुई है इस वजह से जो मुझे दिक्कत आ रही है मैं बल्कि देख लेता हूँ इधर से कौन सा कॉइन जो है वो इसमें मैंने ना करी हुई हो एनालइसिस बल्कि इसमें भी हुई हुई है ठीक है देख लेते हैं कोई ना कोई कोई गाला को देखते हैं अच्छा गाला में भी हुई पड़ी है यहाँ इधर से देखते हैं कि कौन सा कोइन ठीक है आपको इधर से जो इसमें मैंने आपको स्टडी बताई थी वो भी आई होप सो आपने यूज़ करी होगी और उसने आपको जो है वो बेनिफिट दिया होगा अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आपका उसका स्क्रीन जो है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा आप वो भी देख लीजिएगा कि हाउ टू पिक कॉइंस फॉर ट्रेडिंग बेस्ट क्वाइंस फॉर ट्रेडिंग जो बेस्ट क्वाइं थे वो आप ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से पिक कर सकते हो देखिए मान लीजिए अब ये चार्ट है अब ये तो कॉइन देखें जो है वो छोटा है इतना कोई खास नहीं है मगर अगर, अगर आप इधर से देखें तो कितने दिनों कितने दिन हुए इसे सिक्सटी फाइव डेज हुए इस कॉइन को ठीक है लॉन्च हुए हुए तो ये जो है वो कॉइन है ब्लड यू डिटी अब हम क्या करेंगे अब सबसे पहले हम वन डे के चार्ट पे इसमें जहाँ पर भी जोन्स बन रहे हैं जहाँ पर भी सपोर्ट बन रही है ठीक है या फिर जो 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 भी जो जो चीज़ें जो है वो हमें मिल रहा है हम उस सारी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे ठीक है अब देखें अगर हम इस चार्ट पे ठीक है अगर हम इस चार्ट पे देखें तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कौन कौन सी चीज बन रही है ठीक है आप उस सबको पहले ड्रा करोगे अगर आप पहले तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये है फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मार्केट ने एक इधर बनाया हुआ है ठीक है और यहाँ से मार्केट ने यहाँ से देखें एक जो है ऊपर पुल बेक लिया है और मार्केट जो है इधर से ऊपर उठी है तो अगर हम यहाँ पर एक जोन ड्रा करें तो हम यहाँ पर भी एक जोन ड्रा कर सकते हैं ठीक है और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर ऊपर जो है वो एक जोन ड्रा करें ऊपर एक मार्केट का ये तो, एक तो ये हाई बन गया ठीक है एक यहाँ पर आप जोन ड्रा कर सकते हो एक यहाँ पर आप जोन ड्रा कर सकते हो ठीक है ठीक है आप इस तक से उसमें वन डे के चार्ट पे आप एनालिसिस कर सकते हो ठीक है अब जैसे आप वन डे के अपने चार्ट पे एनालिसिस कंप्लीट कर लो तो क्या करो आप फोर फोर आवर का चार्ट ओपन करो ठीक है फोर अवर के चार्ट ओपन करोगे तो वहां पर आपको जो जो जगह है जो है वो न्यू जगहें मिल रही है ठीक है खुलना शुरू हो जाएगा उसमें डेटा ज्यादा आना शुरू हो जाएगी तो आप उसमें जो जो जगह रहती हैं आप वहाँ पर एनालिसिस कर लो अब मान लीजिए यहाँ पर हमने अगर वहाँ पर जोन ऑनड्रो नहीं किया वन डे के चार्ट पर नहीं बना तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से वन आवर थर्टी मिनट फिफ्टी फिफ्टी मिनट एंड से फाइव मिनट इन सारे चार्टे आप एनालिसिस कर लो ठीक है फिर आप वनडे का चार्ट ओपन करके बैठ जाओ फिर वनडे के चार्ट पे जिस भी कॉइन में आपको थोड़ा बहुत लगे फ्लक्चुएशन वगैरह है आप उसका छोटा छोटा चार्ट ओपन करो अगर वहाँ पर आपको चांस मिला है तो आप जो है उसी वक्त ट्रेड ले सकते हो इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रेंड नहीं रोक सकते हैं आप यहाँ पर सपोर्ट रोक सकते हैं अब मैं आप माले अब मैं आपको जो है वो चल के किसी कॉइन पे दिखाता हूँ ठीक है माने मैंने इधर लिंक का चार्ट ओपन करा ठीक है अब अगर मैं इधर से मान ले इधर एडीए पे आता हूँ या फिर बल्कि पर भी एक्स पर या फिर जो भी आप कहें एडीए पर ही आते हैं अब इसका वनडे का चार्ट ओपन करूँ अगर ठीक है तो अगर आप मेरे इसके वन डे के चार्ट पे देखेंगे तो देखें इस पर जो भी एनालिसिस जो मुझे करनी थी वो मेरी हुई पड़ी है ठीक है अब मुझे मान यहाँ से मुझे दिखा कि ये कॉइन इस सपो लाइन पर आ गया अब यहाँ से इसने पंप लिया अब ये दूसरी कैंडल जो है वो व, 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 उसे जो है फ़िलअप करने की कोशिश करा है ये एक जो ऊपर गेप है इसे फिलअप करने की कोशिश कर रहा है ठीक है और यहाँ से जो है इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बहुत जो है वो पंप आ रहा है अब मुझे लगा कि ये कॉइन ऊपर जाने वाला है ठीक है मैंने वनडे का चार्ट देखा अब मैं सीधा शिफ्ट कर करूँगा अपने फाइव मिनट के चार्ट पे स्केल्प करने के लिए छोटी सी सीटे लेने के लिए अब अगर मैं यहाँ पर देखू यहाँ पर एक नीचे भी एक जोन बना हुआ है ठीक है ऊपर भी एक जोन बना हुआ है मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से ये जोन बनाए आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ये जोन बना सकते हो ठीक है आप पर डिपेंड करता है अब मैंने इधर ये जोनस बनाए तो अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है जब भी मार्केट जोन पे है, तो उसके बाद मार्केट ने जो है ऊपर इस जोन तक आने की कोशिश करी और उसके बाद जो है नीचे आ गई अब देखिए यहाँ पर भी मार्केट वहाँ पर गिन बढ़ रही थी मैंने आपको जैसे बोला कि अब ये जो है थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्वाइंग तो यहाँ पर भी आप जो है वो ट्रेड अगर लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ट्रेड ले सकते हो आप पर डिपेंड करता है अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी है एक दो बार देखें इस कॉइन में देखें इधर देखें तो ये जो है वो, इधर से एक ही ग्रेड कर डबली और एक दूसरी जल्दी से मार्केट में डिपलेट हुई और जल्दी से नीचे गिर चुकी है ठीक है ये आपको मैंने ए एम डी मॉडल जो है वो समझाया था आपको अगर याद है तो आपको पता होगा ठीक है तो ये किस तरीके से जो है इधर मैं हुई है तो आप उस तरीके से जो है वो समझ सकते हो क्लियर कर सकते हो अपना माइंड ठीक है तो आप इधर भी एक जो है वो सपोर्ट आ कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आप देखें नीचे आ रही है मार्केट तो अगर अब नीचे आ रही है तो आप यहाँ से जो है वो अपना एक सेटअप क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट पोर्सन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ठीक है और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा तो बड़ा करके रख सकते हो यहाँ तक का ठीक है जैसे अगर जैसे खतरा जो है कम हो स्टॉप लॉस होने का तो आप इस तरह से आप सेटअप अब ये देखिए अगर आप इसे इस सेटअप को अगर आप देखें जो रिस्क रिस्क है तो वो वन एंड टू तकरीबन का जो है बनता है बनता से सेटअप से क्रिएट कर सकते हैं अब देखिए ये बन गया सेटअप अब जो आपने माले में इन, मैंने तो इधर आपको बना के दिखाया ठीक है मैंने बेसिक आपको बना के दिखाया अब ये काम तो वैसे भी करने वाला है मुझे पता है क्योंकि अभी जो है वो मैंने ये जो भी एनालिसिस करी हुई है तो मुझे पता है कि ये क्वेन अभी आएगा ठीक है आप खुद भी देख लीजिएगा बाद में कि जो है वो हो सकता है या नीचे है मैंने आपके सामने सिंपल सेटअप बनाया इसी तरीके से आप सारे क्वाइंस में अभी यहाँ पर देखें जिन भी कोइंस में ट्रेड करता हूँ ठीक है कौन कौन से हैं देखें बी टी सी है बिटकवाइन इथीरियम सोलाना लिंक यूनिवर्सिटी है ठीक है और कार्डनो है बी है मेटिक है एक्स आर पी एक्स ठीक है ए आर बी है इंजेक्टिव है डोज है सुई है डॉट एल टी सी लिटकॉइन एंड शिब्बा आई सी पी एल डी ओ एन टी आर एक्स अब इन में मैं जो है वो कर, जो है ट्रेड करता हूँ तो इनको मैंने सारे कर, मैंने बना लिया। जब भी जब भी मुझे जिस भी कॉइन में मौका मिलता है मैं उसमें ले ले हूं, मुझे दोबारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती कम से कम मुझे ये होता है कि थोड़ा बहुत जोन को नीचे करना पड़ता है बस बनी बनाई को इस तरीके से आप अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हो और उसमें इजी तरीके से आप ट्रेड्स फाइंड कर सकते हो ठीक है सिंपल वे है आपको बार बार एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप इधर से इसे जो है वो सेव कर लें आप इधर से जो है अपना बना लें ठीक है जिस तरीके से इधर मेरा रीडम बनना पड़ा है आप इस तरह से इसे बना सकते हो ठीक है मैं अगर इसका रीनेम करना चाहूँ तो आप इस तरीके से इधर से इसे जो है वो रीनेम भी कर सकते हो ठीक है अब मैं देखें अगर इसे कायम करके और सेव कर दूँ तो ये देखिए सेव हो गया तो आप अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करोगे आप इसे ऑटो सेव को ऑन कर लो ऑटोमेटिक सेव करेगा अदरवाइज आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा सेव हो गया तो ये सेव हो जाएगा जब भी आप ट्रेडिंग ओपन करोगे आपकी एनालिसिस हुई पड़ेगी और आपको जो है वो ट्रेड लेने में आसानी करेगी सिंपल हो जाएगा आसान हो जाएगा आपको ट्रेड लेने में अब दूसरी सारी चीज़ें जो भी मैंने सिखाई हैं वही सारी चीज़ें फॉलो होती हैं हम भी खुद भी वही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हो वही सारी चीज़ें फॉलो करता है सिंपल प्राइजेक्शन को हर कोई फॉलो करता है ठीक है सिंपल जो प्राइजेक्शन होता है और सपोर्ट सपोर्डाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक है और कोई कुछ ऐसा नहीं होता हाँ आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पता हो कि से लंटिंग क्या होती है किस तरीके से होती है मार्केट को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मीन्स जो है वो आ, आप सही हो मगर आप क्या करें कि इस तरीके से आप ट्रेड्स बनाएं सेटअप्स बनाएं फिर देखें कि आपको कौन कौन सा सेटअप फेल हो रहा है और उसमें कौन कौन सी गलतियाँ आप उसे थोड़ा और ज़्यादा जो है वो डेवलप डेवलप करने की या उसे और अच्छा करने की कोशिश करें फिर उसके बाद जिस जब जैसे ही आपका हाथ सेट हो जाएगा आप बिला झिझक पाँच दस ट्रेड एक जगह पे ले सकते हो और पाँच दस ट्रेडों से एक ही जगह पे प्रॉफिट निकाल सकते हो मैं भी ऐसा कह रहा हूँ मुझे मैं देखता हूँ अगर मुझे जितने भी गैंस में मुझे एंट्री मिलती है मैं एंट्री ले लेता हूँ और जितना भी होता है मेरा वो प्रॉफिट उस तरीके से हो जाता है तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो सिंपल एंड ईजी एंड बेस्ट वे है ये ट्रेडिंग करने का आप भी इसी तरीके से कर सकते हो आई होप आपको ये वीडियो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नई समझने को मिली होंगी और ये मेरा अपना मेथड है मेरी अपनी टेक्निक है इसे मैं खुद फॉलो करता हूँ मैंने आपको बता दिया जो मेरा अपना ट्रेड सीक्रेट था अब आप इसे जो है वो फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ ठीक है विन विन स्ट्रेटजी या फिर और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं फॉलो करता हूँ वो आगे चल के इंशाल्लाह दिन ब दिन हम सीखते जाएंगे और अगर आपको अगर अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थोड़ी बहुत आपको प्राइजेक्शन आती है तो आप हमारी ये जो स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट है राइट साइड में आप इसे इस पर क्लिक करके देख सकते हो इसमें हमने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी बताई हुई है और बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बताया हुआ है वो भी आप देख सकते हो और अगर आपको सिंपल प्रोजेक्शन नहीं पता या फिर क्रिप्टो बेसिक का नहीं पता तो आप ये क्रिप्टो वाले से देख सकते हो जिसमें हमने कम्प्लीट क्रिप्टो के रिलेटेड नॉलेज दी हुई है आज की लिए इतनी टाटा अल्लाह हाफिज़ और आप इस ट्रेड को देखिएगा ये जो है वो अपना टीपी हिट एड करके और मैंने जो है जो है वो वैसे भी ले लिए इधर रियल में भी